नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और उसके बाद से ही जो भयावह मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है वो हर किसी को हैरान परेशान कर रहा है। कुछ सशक्त देश जिनकी चुप्पी पर भी सवाल उठ रही है। हर कोई बस यही सोच रहा है कि अगर जो तमाम शक्तिशाली देश हैं वो अगर आगे आते हैं तो फिर कुछ सोल्यूशन निकल सकता है, लेकिन ये जो तमाम देशों ने चुप्पी साधी हुई है इसको लेकर भी जनता नाराज है। अफगानिस्तानियों में अपने पूर्व राष्ट्रपति को लेकर भी गुस्सा है, अशरफ गनी को, कि वो ऐसे मौके पर जब देश पूरी तरीके से तालिबानियों की चपेट में आ चुका था, ऐसे वक्त में पूर्व राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए। कहा तो ये भी जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में पैसा लेकर भागे हैं। अशरफ गनी ने इस पर अपना सफाईनामा पेश किया है, कहा है कि सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में मैं गया हूं और वापस आने का रास्ता तलाश रहा हूं। खैर, इन सब के बीच भारत में रहते हुए एक नेता ने बहुत विवादित बयान दिया है। ये नेता है शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और इन्होंने तालिबानी आतंकियों की तुलना देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कर दी है। जैसे ही उनका ये बयान सामने आया, पुलिस ने सपा सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। संभल के एसपी ने बताया है, हमें शिकायत मिली कि सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान की तुलना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से की है। ऐसे बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनके खिलाफ धारा 124A यानी कि देशद्रोह, 153A, 295 IPC के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और दो अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विवादित टिप्पणियां की थी। बता दें, तमाम पार्टी दल, तमाम नेता आलोचना कर रहे हैं सपा सांसद की, समाजवादी पार्टी की भी किरकिरी हो रही है। अखिलेश यादव को भी लोग ट्रोल कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे नेता उन्होंने अपनी पार्टी में भर रखे हैं। बयान सुनिए आप सपा सांसद का और उसके बाद खुद अंदाजा लगाइए कि कैसे इनके जो बोल हैं वो बिगड़ गए। हम तो देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। नहीं, जैसे ये एक चल रहा है पूरे दो दिन से कि कट्टरपंथी सोच है वो तालिबान, वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए, जब भी कोई किसी, तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते, अपने तौर पर चलाना चाहते। थाना संभल कोतवाली में कल देर रात संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व दो अन्य व्यक्ति फैजान चौधरी व मोहम्मद मुकीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा तालिबान के संबंध में भड़काऊ बयान दिए गए। एक प्राइवेट व्यक्ति श्री राजेश सिंघल द्वारा लिखित तहरीर देकर यह बताया गया कि डॉक्टर बर्क द्वारा एक मीडिया ब्रीफिंग में तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता सेनानियों के साथ की गई तथा उसकी जीत पर खुशी मनाई गई। ज्ञातव्य हो कि तालिबान भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है। इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं, अतः उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A व 295A IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य दो व्यक्तियों द्वारा फेसबुक पर इसी प्रकार के बयान दिए गए, उनके विरुद्ध भी इसी FIR में अभियोग पंजीकृत किया गया है। समस्त साक्ष्य संकलन के साथ में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देशद्रोह के बारे में इस तरह की बयानबाजी करने वाले व्यक्तियों अथवा सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट शेयर करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई संभल पुलिस द्वारा की जाएगी।